आज लालीलू आपको ले जाएगा पूरी तरह से एक अलग दुनिया में। यहाँ डॉल, वेयरवुल्फ और बार्बी हंस रहते हैं। उनके शानदार परिवार के बारे में और जानने के लिए देखिए लालीलू। टुकड़ा काट लें, बैक ऑफ फ्रंट सीए, इसे उल्टा करें। ओवरऑल्स की फिटिंग शानदार है और वो पेट को दबाते भी नहीं है। वेयरवुल्फ लड़की के परिवार में हल्के और गहरे बालों वाले भेड़िए हैं। दो रंगों की ऊन मिलाएं, इस तरह उसे शेप करें। हमने बनाई एक लंबी फ्लफी पूंछ। दो रेक्टेंगुलर टुकड़े काटें, इनसे बाहें ढकें। हमने दो बाहें बनाई। पंजे बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की सीखें चाहिए होंगी। 10 टुकड़े बनाएं और उन्हें डॉल की उंगलियों पर ग्लू करें। इन्हें काला रंग करें और उन पर ग्लिटर छिड़कें। कितने खतरनाक दिखते हैं ये पंजे। ड्राई पेस्टल से नकली फर को चमकाएं। एक फ्लफी कॉलर ग्लू करें। जूते को काला पेंट करें। वॉल्फी के लिए हमें बढ़िया सजावट करनी होगी। एक पुराने खिलौने में से एक वेयरवॉल्फ मास्क बनाएं। मास्क पर फर ग्लू करें ताकि ये दोनों तरफ दिखे। भेड़िये को भी हमें रंगना होगा। हॉट ग्लू से दांत शेप करें, इसे सफेद रंगे। भेड़िये की टोपी डरावनी लग रही है। ये वेयरवॉल्फ लड़की अपना बचाव खुद कर सकती है। सावधान दुश्मनों। वॉल्फी ज्यादातर अपना दिन जंगल में बिताती है। वो कुदरत के रंगों में रंगी है। पर पूरे चांद के दिन सब कुछ बदल जाता है और उसके बाल बदल जाते हैं भेड़िये के फर में। हमारी दूसरी हीरोइन के पास खास शक्तियां हैं। वो एक सुंदर हंस में बदल जाती है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं इन सभी बर्ड्स के साथ रहकर। सैटिन रिबन में से एक ड्रेस बनाएं, पहले एक अंडरवेयर बनाएं, फ्रिंज वाली एक बेल्ट लगाएं। वाह, कितने सारे पंख, जैसे मैं बादलों में हूँ। बॉटम और टॉप को पंखों से कवर करें। पर्ल हाफ बीट्स उसके कानों पर शानदार लगेगी। फ्लेक्सिबल तार और पंख, लुक पूरी करने के लिए एक मुकुट शानदार रहेगा। इसे चमकते राइनस्टोन से सजाएं। ये सुंदर है। हंस लड़की कितनी सुंदर है। इसी बीच वॉल्फी के तीन बच्चे हुए। एक बेबी को नापें, उनके लिए एक जैसी तीन ड्रेसेस बनाएं। फ्रंट और बैक काटें, इसे सीए और इसे उल्टा करें। ड्रेसिंग को फर से सजाएं। सभी ने नए कपड़े पाए। चलो कुछ भेड़िये के खिलौने लेते हैं। भेड़िये की टोपियां बनाएं और उन्हें काला रंगे। आंखें बनाएं, गुलाबी जेब और फर। फोम पेपर में से एक बो काटें और इसे ग्लू करें। परिवार में सिर्फ वो ही एक छोटी सी वुल्फ लड़की है। पाइप क्लीनर्स में से पूंछे बनाएं, उन्हें ग्रे रंगे। वाह, परिवार में तीन वेयरवुल्फ बच्चे। पर वॉल्फी इसे नहीं संभाल पाएगी। सुआना पार्क से गुजर रही थी कि तभी अचानक वो बीमार सी महसूस करने लगी। ओह, कितनी गर्मी है यहाँ, या फिर बहुत ठंड। कुछ अजीब लग रहा है मुझे। क्या मेरे बच्चे होने का समय आ गया है? ओह, मुझे एक साइन चाहिए, एक गुलाबी पंख। यही वो साइन है। सुआना पंखों के बादलों में घिर गई है और अगले ही पल उसके हाथों में थी उसकी बेबी। आओ सफेद कपड़े में से डायपर बनाएं, सफेद पंख लगाएं और पंखों वाला एक हेडबैंड। हंस बेबी एक छोटी सी परी की तरह लग रही है। वुल्फी अपने बच्चों के लिए पालना बनाना चाहती है।
पुराने कलर्स में से प्लास्टिक के टुकड़े काटें। इन्हें ब्राउन रंगे, हरी स्टफिंग रखें। अब पालना मौज से भरा लग रहा है। रस्सी के टुकड़े से पालना टांगे। बेबी को लेसी कंबल से कवर करें। बेबीज को अपने झूलों में झूलकर मजा आ रहा है। ये उनके लिए एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह है। एक समय की बात है, रेड राइडिंग हुड जंगल से गुजर रही थी। वॉल्फी ने अजनबी से दोस्ती कर ली और उसे एक नैनी की तरह रख भी लिया। दोनों लड़कियां इस अचानक लिए हुए फैसले से खुश थीं। आओ हंस बेबी के लिए एक पालना बनाएं। एक पुराने बोतल का निचला हिस्सा निकालें। हम बॉटम को सफेद एथलेटिक कपड़े से ढकेंगे। किनारे सैटन की रस्सी से सजाएं। चलो कुछ पंख लगाएं और कुछ क्लियर फूल। पाइप क्लीनर में से स्ट्रॉलर के लिए हैंडल बनाएं। अटैचमेंट पॉइंट्स को पर्ल हाफ बीट से ढकें। सुआना अपने बेबी को घुमाने ले गई। मेरी बच्ची को थोड़ी ताजा हवा चाहिए, इसलिए हम बादलों की सैर कर रहे हैं। बोतल के तीन ढक्कन ले। हमें चाहिए होगी अलग अलग रंगों के फोम पेपर से बनी तीन स्ट्रिप्स। ढक्कन को इनसे ढकें। ढकी हुई बोतल को हैंडल से सजाना ना भूलें। हर पॉटी को एक स्टिकर चाहिए। आओ हार्ट शेप स्टिकर्स चुनते हैं। तीनों छोटे भेड़िए अपनी पॉटीज यूज कर रहे हैं। वो कितनी जल्दी सीख गए। मैंने उन पर डायपर्स भी यूज नहीं किए। रेड राइडिंग हुड, तुम तो कमाल की नैनी हो। सफेद फोम पेपर पर एक हंस ड्रॉ करें और इसे काटें। इसी तरह एक और बनाएं। लंबी पलकों के साथ बंद आंखें और गुलाबी चोंच ड्रॉ करें। थोड़ी शेडोज बनाएं और पंखों को आउटलाइन करें। चमकदार एक्रिलिक पेंट से सजाएं। दोनों मूर्तियां ग्लू करें। एक फोम पेपर स्ट्रिप से उन्हें अलग करें। हमने एक 3D हंस बनाया। कार्डबोर्ड का एक ढक्कन यूज करें। एक आर्क काटें। इसे सफेद एक्रिलिक पेंट से कवर करें। इसे मोतियों की एक स्ट्रिंग और राइनस्टोन से सजाएं। एक झूलता हुआ हंस बनाएं। हमें बस एक चमकता हुआ ताज लगाना है। जब तक बच्चा उड़ना सीखे, तब तक वो हंस के खिलौने की सवारी कर सकता है। उड़ने की कला सीखने में तो कुछ समय लगेगा। एक खास पालने में हंस का बच्चा सो रहा है। एक क्रीम चीज कंटेनर को हम एक फ्रेम की तरह यूज करेंगे। चमकदार फोम पेपर की एक स्ट्रिप से इसे कवर करें। फिर बॉटम ढकें। सीम से एक सितारों वाले रिबन से छिपाएं। सिल्वर ग्लिटर और पंखों से पालने को सजाएं। दो सर्कल्स काटें, उन्हें सिए और इनमें स्टफिंग भरें। तकिया तैयार है, पर कुछ तो कमी है। मास्किंग टेप की स्ट्रिप फोम पेपर पर ग्लू करें और इसे स्टफिंग की एक परत पर लगाएं। ऊपर के हिस्से को कपड़े से कवर करें। किनारे मोड़ें। इसे पॉम-पॉम रिबन से सजाएं। नरम किनारे लगाएं। थोड़ा कपड़ा और स्टफिंग का एक टुकड़ा एक बेबी गद्दे के बराबर है। छोटी सी बच्ची को एक कंबल से ढकें। सुआना अपनी बच्ची को गुड नाइट कहती है। इस पालने में तुम्हें सबसे सुंदर सपने आएंगे। सपनों की बात करें तो चलो एक ड्रीम कैचर बनाएं। चाबियों में से एक मेटल रिंग लें। मकड़ी का जाला बनाने के लिए इसे कढ़ाई वाले धागे से कवर करें। इसे मोतियों की माला और पंखों से सजाएं। अब छोटे भेड़िया को बुरे सपने नहीं आएंगे। ड्रीम कैचर उनके सभी बुरे सपने भगा देगा। ये लगभग पूरा चांद है। मॉम और बेबी छुप रही हैं ताकि जब वो वेयरवुल्फ में बदलें तो बहुत ज्यादा आराम से रह सकें। रेड राइडिंग हुड सिर्फ वॉल्फी के साथ ही नहीं बल्कि स्वाने के साथ भी मिलकर रही। दोनों परिवार अच्छे दोस्त हैं और एक साथ मिलकर मजे कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।
ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।